जब भी हम फुल बॉडी फैट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो सबसे मुश्किल टारगेट हमारा मिड सेक्शन एरिया जिसमें बैक और बेली फैट का होता है। इस फैट को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज जो आपकी बेली फैट को कुछ ही हफ्तों में गायब कर देगा। तो कौन सी है वो मिस्टीरियस एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक। आप सबने इसका नाम सुना है और इसको कभी ना कभी आपने वर्कआउट रूटीन में यूज़ भी किया होगा। अब आप इसे एक मंथ चैलेंज की तरह फॉलो करें। आई गारंटेड कि सिर्फ एक महीने में आपकी बॉडी चेंज होने लगेगी और नोटिसेबल होगी। चैलेंज शुरू करने से पहले कुछ माइनर डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। प्लैंक को सही तरीके से लगाने से ही आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो प्लैंक लगाने का सही तरीका है, प्लैंक करने के लिए आपको पुशअप्स की पोजीशन में आना है, अपनी एल्बो पर और टोज के ऊपर आना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नेक भी सीधी और आपका हेड भी सीधा होना चाहिए। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपकी बैक आर्क ना हो, अदरवाइज आपकी स्पाइन पर प्रेशर पड़ेगा। सेकेंडली, अपनी हिप्स को फ्लोर की तरफ नीचे जाने से अवॉइड कीजिए। अगर हिप्स नीचे रहते हैं तो आपकी बैली मसल्स पर इफेक्ट कम होगा और जो भी आप इस वर्कआउट में एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा। अपनी नेक पर भी ध्यान देना, इट्स बेटर कि आप फ्लोर की तरफ देखें ना कि ऊपर या स्ट्रेट। अब शुरू करते हैं चैलेंज। ये चैलेंज आपके बिजी शेड्यूल का सिर्फ 5 मिनट लेगा और आपकी बैक और एब्स सिर्फ 1 महीने में शेप में आ जाएगी। जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जो रिज़ल्ट सोच रहे हैं वो आपको 1 मंथ में मिलकर ही रहेगा। तो शुरू के 2 दिन आपको सिर्फ 20 सेकेंड्स प्लैंक करना है। नेक्स्ट 3rd और 4th डे 30 सेकेंड्स और day 5 40 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश करें। day 6 आप डिज़र्व करते हैं एक ब्रेक, तो day 6 है आपका रेस्ट डे। day 7 और day 8 हैं 50 सेकेंड्स। फाइनली हमारा phase 1 कंप्लीट हो जाएगा day 9 और day 10 में 1 मिनट तक प्लैंक लगाकर। day 11 को थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना है और टाइम होगा 90 सेकेंड्स। day 12 आपका रेस्ट डे। नेक्स्ट 3 दिन day 13 14 एंड 15 को आपने 90 सेकेंड्स पर ही रहना है और आई गारंटेड कि डे 16 और 17 को आप 2 मिनट तक परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट डे 18 150 सेकेंड्स, देन डे 19 इज योर रेस्ट डे। डे 20 21 150 सेकेंड्स। नेक्स्ट डे डे 23 एंड 23 को ट्राई करें 180 सेकेंड का। डे 24 210 सेकेंड्स एंड डे 25 टेक ए ब्रेक। डे 26 अगेन स्टार्ट करें 210 सेकेंड से। फाइनली लास्ट 2 डेज 27th एंड डे 28 आप होल्ड कर सकते हैं 240 सेकेंड्स। डे 29 एंड डे 30 ये प्लैंक होगा 5 मिनट का। आई एम श्योर आफ्टर 30 डेज आपको अपने ऊपर अपनी बॉडी से रिलेटेड प्राउड फील होगा। अब एक क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा, क्या ये एक्सरसाइज काम करेगी, इसे स्टार्ट करना वर्थ होगा? तो आंसर है यस। ये आपके 6 पैक एब्स तो नहीं बनाएगी बट स्टमक के पास आप स्ट्रांग और हेल्थी फील करेंगे और आप नोटिस करोगे कि आपका पोस्चर भी इम्प्रूव हुआ है, साथ साथ आपकी वेस्ट के पास से भी एक्स्ट्रा इंचेस भी डिसअपेयर्ड हो गए हैं। रेगुलर प्लैंक आपके मेटाबॉलिज्म को भी सिमुलेट करता है जिससे आपका वेट भी लॉस होगा। माय रिकमेंडेशन कि प्लैंक बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे रिस्क नहीं है, क्योंकि इन प्रॉपर प्लैंक की वजह से आपको नेक और बैक में इंजरीज आ सकती हैं। अगर आप स्लाइटली ओवरवेट और हार्ट या बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो इस 30 डेज चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बेस्ट रहेगा। सेकंड, अगर आप इस एक्सरसाइज के लिए न्यू हैं और आपको ये बहुत हार्ड लग रही है तो आप स्लो पेस में भी स्टार्ट कर सकते हैं। day 1 20 सेकेंड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते रहें, तो day 30 आपका 2 से 3 मिनट भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट लिसन टू योर बॉडी। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।